हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। जैसा आपको पता है, हम पेपर टू कॉमर्स की बात करते हैं हर वीडियो में। आज हम एक पेपर यूनिट टू में जो हमारा अकाउंट्स है उसका एक टॉपिक लेके आए हैं, जिसका नाम है बजटरी कंट्रोल। ऑल्दो ये प्योरली थ्योरेटिकल टॉपिक है, बट अक्सर एक क्वेश्चन आता है बिटवीन बजटरी कंट्रोल एंड स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, दोनों में से कई बार डिफरेंस की बात करता है, कई बार मीनिंग की बात करता है। तो आज हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। आइए, आप सबसे पहली बात, बजटरी कंट्रोल को करने के लिए हमें पता होना चाहिए बजट क्या होता है। तो मैं बजट के मीनिंग की बात करूं तो बजट क्या है, इट्स ए फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट मीन्स बजट हमेशा क्वांटिटी का बनता है, क्वालिटी का बजट कभी भी नहीं बनेगा। प्रिपेयर्ड प्रायर टू ए प्री डिटरमाइंड पीरियड ऑफ टाइम, जिस समय अवधि के लिए आपको बनाना है उससे पहले बनेगा। सपोज अभी मान लीजिए चल रहा है जुलाई 2019, तो मैं आने वाले मंथ अगस्त 19 के लिए बजट तो बना सकता हूं, पर जून 2019 के लिए नहीं बनेगा क्योंकि वो पास हो चुका। तो अगर मुझे अगस्त के लिए बजट बनाना है तो कब बनाना पड़ेगा, आज जुलाई में। दूसरी बात, क्यों बनाते हैं, कि जिस पॉलिसी को हम फॉलो करना चाहते हैं, जिस ऑब्जेक्टिव को हम अचीव करना चाह रहे हैं, उसको अटेन करने के लिए हम क्या बना रहे हैं, बजट। तो अगर बजट की डेफिनेशन को ओपन करें, हाँ, ये डेफिनेशन गिवन है बाय ICMA लंदन, इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट्स, ठीक है, जो कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट का कोर्स हमारे यहाँ इंडिया में चलता है CMA, और ये उसकी एक इंटरनेशनल बॉडी है। हमारे यहाँ CMA है, वर्ल्ड वाइड UK में चलता है ICMA। अब बजट की डेफिनेशन को मैं ओपन करता हूँ तो कुछ पॉइंट्स निकल के आते हैं। पहली बात मैंने बताया आपको, फ्यूचर के लिए बनेगा। दूसरी बात, क्वांटिटेटिव टर्म्स में बनेगा, क्वालिटी का बजट नहीं बनता। तीसरी बात, एडवांस में एक ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए बनेगा, और जो हमें मैनेजमेंट ने पॉलिसी परस्यू करने के लिए दी है उसके लिए हम क्या बनाएंगे, बजट। तो ये सिंपल सी बात क्या हुई, बजट। क्या पढ़ा, बजट फाइनेंशियल डेटा कैरी करता है, एडवांस बनता है, फ्यूचर के लिए बनता है, फ्यूचर ओरिएंटेड होता है बजट हमेशा। हाँ, बेस्ड ऑन पास्ट हो सकता है, ठीक है। उसके बाद ये किस लिए बनता है, ताकि जब हमारा एक्चुअल रिजल्ट आएगा हम बजट से कंपेयर कर पाएंगे, ठीक है। बजट के बाद एक वर्ड आता है बजटिंग। सही मायने में बजटिंग बजट का ही फ्यूचर टेंस है। मैंने क्या करना है कि बजट को बनाना है, उसको बनाने के लिए जो भी मैं रूल्स रेगुलेशन फॉलो करने जा रहा हूँ, या यूँ कहें हाउ टू प्रिपेयर ए बजट, ठीक है, या हम बोलते हैं बजटिंग इज द आर्ट ऑफ प्रिपेयरिंग द बजट, बजट बनाने की कला, वो क्या है, बजटिंग। ये देखें आप, इसका मीनिंग आपको दे रखा है कि बजट को बनाने से संबंधित जो भी एक्टिविटी है वो सारी की सारी किस में आएंगी, बजटिंग में। ये उसकी आपको डेफिनेशन दे रखी है, अकॉर्डिंग टू ऑथर विलियम जे बैटी। इसने क्या कहा, बजटिंग क्या है, इट्स ए काइंड ऑफ ए फ्यूचर टेंस इन विच द प्रॉब्लम्स ऑफ द फ्यूचर आर मेट ऑन पेपर बिफोर द ट्रांजेक्शंस एक्चुअली अकर। कि साहब, जब एक्चुअल वास्तव रिजल्ट आएगा उससे पहले ही हमने एक पेपर पे ब्लूप्रिंट बना लिया कि ऐसा होने जा रहा है, ठीक है जी। तो बजट हुआ, बजटिंग हुआ, अब आते हैं बजटरी कंट्रोल। सी, बजट बनाने का मेन मोटो क्या है, ठीक है, बजट बनाने का मोटो क्या है। मान लीजिए मैं जुलाई में ये प्लान कर रहा हूँ कि आने वाले मंथ में अगस्त में मेरे पास कितना कैश इनफ्लो आएगा और कितना कैश आउटफ्लो होगा। मैंने एक प्लान बना लिया, बजट बना लिया। अब जब अगस्त 31st आएगी, एट द एंड मैं क्या करूँगा, जब एक्चुअल में मेरे पास रिजल्ट आ जाएंगे कैश के, तो मैं अपने बजट से एक्चुअल को कंपेयर करूँगा। उस कंपैरिजन करने को हम बोलते हैं बजटरी कंट्रोल। क्लियर, देखें इसका मीनिंग, बजटरी कंट्रोल क्या है, इट्स ए सिस्टम ऑफ मैनेजमेंट एंड अकाउंटिंग कंट्रोल बाय विच जो भी हमारे ऑपरेशंस हैं हम फोरकास्ट करते हैं, पूर्वानुमान लगाते हैं जितना पॉसिबल हो पाए, और फिर उसको एक्चुअल रिजल्ट जब आता है कंपेयर करते हैं, किसके साथ, एक्चुअल रिजल्ट को बजट के साथ, तो वो क्या बन जाएगा, बजटरी कंट्रोल। अब देखें, तीन चीजें पढ़ी आपने, उन तीनों में डिफरेंस क्या है बिटवीन बजट, बजटिंग एंड बजटरी कंट्रोल, इसको आप समझें। मैं वन बाय वन लेता हूं। सबसे पहले, बजट और बजटिंग दोनों ही नैरो कंसेप्ट है, बजट और बजटिंग दोनों ही नैरो कंसेप्ट है, बजटरी कंट्रोल थोड़ा सा वाइडर है। कैसे है, कहता अगर बजट आपने बना लिया, बजटिंग आपने कर ली, जरूरी नहीं है कि बजटरी कंट्रोल होगा। यानी अगर बजटरी कंट्रोल होगा तो बजट और बजटिंग तो होंगे ही होंगे। तो बजटरी कंट्रोल क्या हो गया, एक वाइडर कंसेप्ट हो गया। सेकंड, बजट्स क्या है, फ्यूचर के लिए एस्टीमेट है। बजटिंग क्या है, उसको बनाने का प्रोसेस है।
तो बजटरी कंट्रोल क्या है फिर? बजटरी कंट्रोल है कि जब एक्चुअल में परफॉर्म आप करेंगे, रिजल्ट आपका आएगा, उसको बजट से कंपेयर करके हम कंट्रोल करें कॉस्ट को, ठीक है। उसके बाद बजट एंड बजटिंग, दे आर द पार्ट्स ऑफ प्लानिंग, हम प्लान कर रहे हैं, कंट्रोलिंग एक्शन कौन लेगा? बजटरी कंट्रोल। तो बजटरी कंट्रोल क्या है? कोऑर्डिनेशन और कंट्रोल दोनों काम करता है। ये दोनों क्या काम करते हैं? सिर्फ और सिर्फ प्लान, क्लियर। अब इसमें कंपैरिजन, मैंने पहले बोला था एक वर्ड का आता है स्टैंडर्ड के साथ, बजटरी कंट्रोल को हम कंपेयर करते हैं स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में। तो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग को करने से पहले हमें एक मीनिंग पढ़ना पड़ेगा, स्टैंडर्ड कॉस्ट किसको बोलते हैं। तो स्टैंडर्ड कॉस्ट क्या है? इट इज अगेन ए प्री डिटरमाइंड कॉस्ट, ठीक है, किसके लिए? ईच प्रोडक्ट और सर्विस जो भी आप बना रहे हो, ठीक है। तो स्टैंडर्ड कॉस्ट का मीनिंग समझे आप क्या, कि किसी भी प्रोडक्ट या सर्विस को डिलीवर करने से पहले, सॉरी बनाने से पहले मैंने एक स्टैंडर्ड एस्टीमेट तैयार कर लिया, उसको क्या बोलूंगा? स्टैंडर्ड कॉस्ट। तो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग क्या हुआ? स्टैंडर्ड कॉस्टिंग मेथड हो गया। इसके अंदर हम क्या करते हैं, पहले कॉस्ट के सभी एलिमेंट्स, एलिमेंट्स के नाम पे हम लेते हैं मटेरियल, लेबर, ओवरहेड, हम उनका क्या करेंगे? स्टैंडर्ड सेट करेंगे, फिर एक्चुअल रिजल्ट आएगा, फिर दोनों में कंपैरिजन करेंगे, तो डिफरेंस आएगा, उसको क्या बोलते हैं? वेरियंस, क्लियर। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में स्टैंडर्ड सेट करेंगे, एक्चुअल रिजल्ट आएगा, दोनों का कंपैरिजन होगा, तो वो जो डिफरेंस आएगा पॉजिटिव और नेगेटिव, उसको क्या बोलते हैं? वेरियंस। अब आता है स्टैंडर्ड कॉस्टिंग और बजटरी कंट्रोल में फिर डिफरेंस क्या है। तो पहले हम बात करेंगे सिमिलरिटीज की, क्या कि दोनों ही कॉस्ट को कंट्रोल करने की टेक्निक है। हमारे यहाँ पर कॉस्ट काउंटिंग आपने यूजी पीजी कोर्स में पढ़ी होगी, तो कॉस्ट को कट करने की तीन ये टेक्निक चलती हैं। वन है मार्जिनल कॉस्टिंग, सेकंड वन इज स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, थर्ड वन इज बजटरी। मार्जिनल हम एक वीडियो में ऑलरेडी डाल चुके हैं, बजटरी स्टैंडर्ड का मैंने मिक्स कंपैरिजन यहाँ बनाया, और एक वीडियो आपको मिलेगा जहाँ पर मैं कंप्लीट स्टैंडर्ड की ही बात करूँगा विद न्यूमेरिकल्स, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए दोनों में कॉमन चीज़ें क्या हैं, दोनों का ऑब्जेक्टिव फिक्स है साहब। मैं पहले सिमिलरिटीज की बात करता हूँ, दोनों का मोटिव क्या है? कंट्रोल, ठीक है। चाहे आप बजट बना के कंट्रोल करें कॉस्ट पे, चाहे आप स्टैंडर्ड बना के कंट्रोल करें, मोटिव तो एक ही है, लागत को कम करना। दूसरा, एक्चुअल से कंपेयर करते हैं बजट को और स्टैंडर्ड को, ये भी कॉमन बात होगी, क्लियर। थर्ड, जो मैंने ऊपर बोला मोटिव इज कॉस्ट कंट्रोल। अब इसमें एक टर्म आती है कॉस्ट रिडक्शन, तो कॉस्ट रिडक्शन इज ए वन टाइम शॉट, एक बार स्टेप उठाया आपने, वो रिड्यूस कर दी कॉस्ट, बात खत्म होगी। अगर आप वो काम रूटीन में करते हो तो क्या होगा? कॉस्ट कंट्रोल। तो रिडक्शन वन टाइम शॉट होता है, कंट्रोल इज एन ऑन गोइंग प्रोसेस जो कि चलता रहता है, ये डिफरेंस हो गया। उसके बाद फोर्थ क्या है? करेक्टिव एक्शन। दोनों का मोटिव क्या है कि बजट बनाया, स्टैंडर्ड बनाया, एक्चुअल रिजल्ट आया, आपने कंपेयर करके ये देखना है कि प्रॉब्लम कहाँ पर आ रही है, वेरियंसेस अगर आपके नेगेटिव आ रहे हैं वेरियंसेस, तो उनको दूर कैसे कर सकते हैं, क्लियर। अब आते हैं मेन मुद्दे पे, वो है इनका डिफरेंस। देखें आप, बजट की हम बात करें, बजट आप किसी भी चीज़ का बना सकते हैं, यानी कि जरूर नहीं है कॉस्ट का बने, वो रेवेन्यू को ही बन जाता है, जैसे मैंने बोला कैश बजट बना लिया आपने। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग खास बात क्या है? कहता बजट्स आर प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ द एस्टिमेटेड और एक्सपेक्टेड कॉस्ट। स्टैंडर्ड कॉस्ट क्या होती है? प्लांट कॉस्ट बेस्ड ऑन द साइंटिफिक एनालिसिस। बजट इज ए लेमैन एस्टिमेट बेसिकली, आम आदमी जो खुद बनाता है, इवन मैंने कहा एक स्टूडेंट है, उसको पता है मेरे को मंथली पॉकेट मनी कितनी मिलती है, बजट बनाएगा। एक हाउसवाइफ है, उसको पता है कि मेरे को कितना खर्चा ग्रॉसरी पे करना है, कितना बच्चों की एजुकेशन के लिए फ़ंड निकाल के रखना है, वो भी बजट बनाती है। इवन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी हर साल एक बजट बनाती है, जिसको हम यूनिट बजट बोलते हैं, जो फैब में आता है। तो बजट क्या है? हर व्यक्ति बना रहा है। पर स्टैंडर्ड में फ़र्क क्या है बजट से? स्टैंडर्ड इज़ ए टेक्निकल एस्टिमेट, और इसमें कुछ साइंटिफिक कैलकुलेशन है। जैसे मैं आपको बहुत सिंपल एग्जांपल दूं, हमें मान लीजिए कंस्ट्रक्शन करनी है, घर बनाना है। एक तो हमने अपने पड़ोसी से पूछा कि भैया आपने ये घर बनाया, कितना पैसा खर्च हुआ, तो उसने हमें रफली एक एस्टीमेट दे दिया, से 10 लाख 20 लाख, तो दैट इज़ ए बजट। और वही मैंने काम एक आर्किटेक्ट से करवाया, वो मुझे पर स्क्वायर फिट एरिया के हिसाब से, पर फ्लोर टोटल खर्चा सब आपका ये आएगा, उसने उसको स्टैंडर्ड के तरीके से कैलकुलेट किया, साइंटिफिकली एनालाइज किया। या एक सिंपल एग्जांपल और मैं लूँ, हम मान लीजिए किसी को टेम्परेचर है, हम कैसे चेक करते हैं? नॉर्मली हमारे यहाँ इंडियन नॉर्मली मीडियम क्लास फैमिलीज में क्या होता है कि हमने देखा, हाँ इसकी बॉडी में टेम्परेचर कैसे पता लगा कि साहब गर्म है ये, ठीक है, हॉट है, तो इसको फीवर हो गया।
डॉक्टर क्या करेगा, थर्मामीटर से चेक करेगा। काम तो दोनों एक कर रहे हैं, पर थर्मामीटर क्या बता रहा है, एक स्टैंडर्ड आपको बता रहा है कि साहब ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर इतना होना चाहिए, अगर उससे ज़्यादा है तो उसको फीवर है, अगर नॉर्मल है बॉडी का टेम्परेचर तो फीवर नहीं है। ठीक है, तो स्टैंडर्ड इज समवट टेक्निकल एस्टीमेट्स, बजट इज ए लेमैन एस्टीमेट्स, क्लियर। उसके बाद ये देखें स्टैंडर्ड कॉस्ट क्या बताएगा, व्हाट द कॉस्ट शुड बी अंडर द स्पेसिफिक कंडीशंस, क्लियर। दूसरी बात इनकम एंड एक्सपेंडिचर, बजट दोनों के लिए बनता है, आप सेल का बजट बना सकते हो, आप खर्चों का मटेरियल का बजट लेबर का बजट बना सकते हो, जबकि स्टैंडर्ड कॉस्टिंग क्या है, सिर्फ और सिर्फ प्रोडक्शन से रिलेटेड है और कॉस्ट के तीनों एलिमेंट का, चाहे मटेरियल हो चाहे लेबर हो चाहे ओवरहेड्स हो, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग एप्लीकेबल है, क्लियर। स्कोप की बात करें, बजटरी कंट्रोल का स्कोप थोड़ा ज़्यादा वाइड है इंस्टेड ऑफ स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, रीज़न आपके सामने है क्योंकि बजट हर डिपार्टमेंट में बनता है, चाहे वो परचेज डिपार्टमेंट है, सेल डिपार्टमेंट है या R&D है, ठीक है। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का स्कोप थोड़ा सा लिमिटेड है, क्यों, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ कॉस्ट के जो तीन एलिमेंट्स मैंने बोले, मटेरियल लेबर ओवरहेड्स, उन्हीं के लिए बनता है, ठीक है जी। उसके अलावा इंटर रिलेशनशिप क्या है इनके बीच देखें, बजट कैन बी इंट्रोड्यूस विदाउट स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, बजट को बिना स्टैंडर्ड कॉस्टिंग लॉन्च किए इम्प्लीमेंट किए आप यूज़ कर सकते हो, जबकि स्टैंडर्ड कॉस्टिंग ये मान के चलती है कि ऑलरेडी बजट तो बन ही रहा है, ठीक है। फिफ्थ कॉस्ट कंट्रोल की बात, ये इंपॉर्टेंट डिफरेंस है, बजट हमेशा मैक्सिमम लिमिट ऑफ एक्सपेंस की बात करता है कि टू दैट एक्सटेंट हम खर्च कर सकते हैं, जबकि स्टैंडर्ड बात करता है मिनिमम की, कि इससे ज़्यादा खर्चा नहीं होना चाहिए, लिमिट की बात करता है, वो मैक्सिमम की बात करता है, ये मिनिमम की बात करता है, ठीक है। ये आपको डिफरेंस जो मैं बोल रहा हूँ सब यहाँ पर गिवन है। उसके अलावा बजट को पार्शली या फुली, पार्शली का मतलब है एक डिपार्टमेंट बजट बना रहा है दूसरा नहीं बना रहा, कोई दिक्कत नहीं है, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में ऐसा नहीं हो सकता, या तो आप इसको कम्प्लीटली यूज़ करें या कम्प्लीटली अवॉइड करें। और स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का बेसिकली ऐसा सिस्टम है, थोड़ा कॉस्टली अफेयर है, ये छोटी कंपनी अफोर्ड नहीं कर सकती, बजट तो हर कोई बना लेता है। फिर आता है रिलेशनशिप, बजटरी कंट्रोल जो कंसर्नड है मेनली फाइनेंशियल अकाउंट के साथ है, और स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का कंसर्न किसके साथ है, कॉस्ट अकाउंटिंग के साथ, यानी वो फाइनेंशियल अकाउंटिंग अंडर आता है, ये कॉस्ट अकाउंटिंग का पार्ट हो जाता है। फिर वेरियंस एनालिसिस की बात करें, बजटरी कंट्रोल टोटल वेरियंस की बात करता है, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग इसकी बात करता है अपने तीनों एलिमेंट्स की, ठीक है, कॉस्ट के तीनों एलिमेंट्स हैं उन्हीं की यहाँ पर बात होती है, ठीक है जी। तो ये था आपका बजट और स्टैंडर्ड का डिफरेंस। इसके अलावा एक बजट के नाम पर ना एक टॉपिक आता है, दैट इज जीरो बेस बजटिंग, तो थोड़ा सा मैं आपको उसके बारे में बता दूँ। जीरो बेस बजटिंग का कंसेप्ट क्या है, यूजली हम बजट बनाते हैं प्रीवियस ईयर को बेस बनाकर। मान लीजिए मैं अभी बजट बना रहा हूँ नेक्स्ट मंथ का, अगस्त 2019 का, तो मेरा बेस क्या लूँगा, अगस्त 2018, ठीक है। बट एक कंसेप्ट आया जीरो बेस, एंड इट वॉज गिवन बाय, ये ऑथर का नेम है पीटर ए फायर, इन्होंने दिया 1960s में, जहाँ पर यह क्या गया, ये कहा गया कि बेस नहीं होना चाहिए, जीरो बेस, एज इट्स नेम देयर शुड बी नो बेस, वी विल स्टार्ट फ्रॉम द स्क्रैच, जीरो से शुरुआत करेंगे, प्रीवियस ईयर में क्या किया क्या नहीं किया उसको हम कंटिन्यू नहीं करने वाले, ठीक है। और फर्स्ट टाइम 70s में इसको यूज किया गया बाय जिमी कार्टर USA, कहाँ यूज किया इन्होंने, स्टेट का बजट बनाया पब्लिक एक्सपेंडिचर का, और स्टेट कौन सी थी, वो स्टेट ऑफ जॉर्जिया, एट दैट टाइम ही वॉज द गवर्नर ऑफ द स्टेट ऑफ जॉर्जिया, ऑल दो लेटर ऑन ये USA के प्रेजिडेंट भी रहे हैं जिमी कार्टर जी, जिन्होंने इसको पहली बार यूज किया। क्या यूज किया इन्होंने पब्लिक एक्सपेंडिचर में, क्या होता है यूजली हमारे यहाँ कि मान लीजिए मैंने कहा आपको अगस्त का बजट बनाऊंगा करंट ईयर का, और प्रीवियस ईयर को बनाऊंगा बेस, हो सकता है प्रीवियस ईयर में बजट के अंदर भी कुछ कमियां रही हों, तो नए बजट में अगर मैं उसी को बेस बना लूंगा तो पुरानी कमियां तो मैंने आगे फिर ले आया, तो पुरानी इनएफिशिएंसीज को दूर करने के लिए हम ये सोचते हैं कि जीरो से शुरू करेंगे, स्क्रैच से शुरू करेंगे, पुरानी गलतियों को नहीं दोहराएंगे, हम बिल्कुल फ्रेश बजट बनाएंगे, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पर मान लीजिए आपकी जॉब लगती है और आपको ये कहा जाता है कि ये डिपार्टमेंट आपको चलाना है, हम आपको एक बजट देंगे। बजट कैसे देंगे वो, कि जी आपसे पहले जो प्रीवियस इंचार्ज था उसको हम मंथली 50,000 पे करते थे ऑफिस को चलाने के लिए, आपको भी हम 50 देंगे। आपने कहा चलो ठीक है मैं वन मंथ काम करके देखता हूँ, वन मंथ के बाद यू रियलाइज्ड कि यार ये खर्चा तो मेरा 20,000 है,
यानी कि पुराने वाले इंचार्ज ने कंपनी को ऑलरेडी 50 बता दिया, पहले एडवांस आ दिया, यानी गड़बड़ पहले कर चुका था वो, तो कंपनी का तो लॉस है ना। तो कंपनी आपको ये नहीं कहेगी कि आपकी लिमिट 50,000 है, आप इसके अंदर खर्चा करो। कंपनी कहेगी यू शुड स्टार्ट फ्रॉम द जीरो, जो नेसेसिटी है वो एक्सपेंडिचर करें, ठीक है, ताकि वेस्टेज ना हो। तो जीरो बेस का बेसिक कंसेप्ट यही था, पीटर एफ अयर ने बनाया 60s में, 70s के आसपास इसको यूज़ किया गया USA में जिमी कार्टर के द्वारा, ठीक है जी। तो ये बात थी हमारी बजटरी कंट्रोल की। अब एक वीडियो में मैं आपको स्टैंडर्ड कॉस्टिंग के अंदर कुछ वेरिएशंस की बात करेंगे, वो हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। क्लियर? तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच।